वेलकम टू हेमेरी रिसर्च एंड मोर। मैं ललिता मोनो। आज हम बादाम कतली की रेसिपी देखने जा रहे हैं। यह रेसिपी हलवाई स्टाइल बनाएंगे हम और एकदम परफेक्ट रेसिपी है। आप इस रक्षाबंधन को जरूर ट्राई कीजिए। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। चलिए हम इसके इन्ग्रीडियंट्स देख लेते हैं। इसके इन्ग्रीडियंट्स हमें सिर्फ दो इन्ग्रीडियंट्स चाहिए। 250 ग्राम हमने बादाम ली है और 200 ग्राम हम शक्कर ले रहे हैं। हमको बादाम को भिगोना है। 2 से 3 बार बादाम को धोकर 2 घंटे के लिए हमें भिगोना है। चलिए हम बादाम को धो लेते हैं। हमारी बादाम भीग कर रेडी है। 2 घंटे हो गए हैं और हमने इसका पानी निकाल दिया। गर्म पानी में डाल के 1 मिनट के लिए उबालेंगे। हमारा पानी गर्म हो गया है। अब हम बादाम को इसमें डाल देते हैं और 1 से 2 मिनट के लिए ही इसे बॉइल करना है। सिर्फ हमें छिलका निकालना है, इसके लिए वो ध्यान रख के हमको गर्म करना है। अगर हम ज़्यादा देर के लिए इसको उबालेंगे तो आपके बर्फी का कलर एकदम वाइट नहीं आएगा। दो मिनट हो गए हैं, हम बादाम को निकाल लेते हैं और अब इसका हम छिलका निकालेंगे। बादाम को हमने गर्म पानी में से निकाल लिया है और अब इसमें नॉर्मल पानी डालकर इसके छिलके निकाल कर 2 से 3 बार हम बादाम को धो देंगे। हमने बादाम के छिलके निकाल लिए। अब हम इसे पीसेंगे। इसमें पीसे से हमें ज़्यादा पानी नहीं डालना है, थोड़ा सा पानी, एकदम थोड़ा सा, जितना कम से कम पानी हो सके उतना पानी डाल के हमें इसे पीसना है। एकदम पेस्ट नहीं बनाना है हमें, लाइटली कोसली रखना है। हमने बादाम को पीस लिए। अब इसे हम कढ़ाई में डालेंगे और इसमें शक्कर डालेंगे। अब हमने शक्कर डाल दिए। बादाम और शक्कर को एक बार हिलाएंगे और इसे गैस पे रखकर हमें पकाना है। चलिए हम गैस पे रखते हैं। हमें इसे अच्छे से पकाना है जब तक कि ये थोड़ा गोले के जैसा नहीं बन जाए, पूरा मिश्रण एक जगह नहीं आ जाए। अगर आप सिल्वर की कढ़ाई में बना रहे हो तो कढ़ाई में पहले 1 टीस्पून जितना घी डालकर, फिर बाद में आप इसमें बादाम और शक्कर डालकर मिलाकर फिर गैस पे रखिए। करीब हमें 10 मिनट तक इसको ऐसे ही हिलाना है। 5 से 7 मिनट हो गए हैं, हमें इसी तरह मिलाना है। अभी हमें गैस को स्लो करके अच्छे से मिलाना है इसको। इसे 15 से 17 मिनट हो गए हैं। हमारा मिश्रण अच्छे से ऐसे बॉल के जैसा बन रहा है, इसका मतलब हमारा कतली का मिश्रण तैयार है। चलिए हम गैस बंद कर लेते हैं और इसे ठंडा कर लेते हैं। अब हम इस मिश्रण को एक मोटे प्लास्टिक पर डालेंगे। आप कोई भी आपके पास मोटा प्लास्टिक हो, आप उस पर इस मिश्रण को डालकर फैला कर 3 से 4 मिनट तक ठंडा होने देते हैं। 3 से 4 मिनट हो गए हैं, हमारा मिश्रण थोड़ा सा ठंडा हो गया है। अब हम इस मिश्रण को अच्छे से मठा लेते हैं। इसे ऐसे करने से हमारी बादाम कतली की फिनिशिंग अच्छी आती है। इसी तरह हमें 2 से 3 मिनट तक अच्छे से गूंथना है। मिश्रण अच्छे से मिक्स हो गया। अब हम बेलन पर थोड़ा सा घी लगाकर हम इसे बेलेंगे। मिश्रण को हमें इस तरह से बेल लेना है। आपको जितनी थिकनेस चाहिए आप वो हिसाब से बेल लेना। ये हमारी बेल कर रेडी है। चलिए हम इसे वर्क लगा लेते हैं। अगर आपकी इच्छा हो तो आप वर्क लगा सकते हो, वरना इसे स्किप भी कर सकते हो। वर्क लगाने के लिए आप सबसे पहले 1 बूंद जितना तेल लेकर, आप डायरेक्ट भी वर्क लगा सकते हो, लेकिन ऐसे करने से वर्क अच्छा चिपकेगा फिनिशिंग के साथ में। ज़्यादा तेल नहीं लगाना, सिर्फ 1 बूंद जितना तेल लेकर हमें इस पर फैलाना है। चलिए अब हम इस पर वर्क लगाते हैं। हमने वर्क लिया है और इसको इस तरह से लगा देंगे। हमने वर्क लगा दिया है और 2 मिनट के लिए ऐसे ही रख दिया है इसको। अब हम डायमंड शेप में कट करते हैं।
इस तरह से हमारी बादाम की कतली बन जाएगी। चलिए इसे हम प्लेट में डाल देते हैं। हमारी बादाम की कतली बनके रेडी है, एकदम परफेक्ट बादाम की कतली बनी है। आप इस रक्षाबंधन पे जरूर जरूर बनाएं। एकदम परफेक्ट बादाम की कतली बनी है।